शालोम अलैकुम मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु में आपको शांति हो। इस सीरीज का आज का वचन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है भजन संहिता 34 और उसका पहला वचन, जो कुछ इस तरह से कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ दाऊद हमें ये बता रहा है कि वो निरंतर यहोवा की स्तुति करेगा। निरंतर मतलब ये होता है कि कहीं भी बीच में रुकेगा नहीं, वो हमेशा हर समय हर परिस्थिति में यहोवा की स्तुति करेगा। अगर आप ने पुराना नियम पढ़ा हो तो उसमें जब इजरायली लोग अरण्य में जा रहे थे तो उसमें 12 कुल थे, 12 कुल में से जो यहूदा का कुल था वो सबसे आगे रहता था, क्योंकि यहूदा का मतलब होता है स्तुति। उन लोगों में स्तुति सबसे पहले थी, वैसे ही आज हमारे जीवनों में भी स्तुति सबसे पहले। जब स्तुति आगे चलेगी तो परमेश्वर हमें बरकत देगा, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा, तब परमेश्वर हमें नई राह पे लेके जाएगा। क्योंकि सबसे जरूरी बात होती है मसीह जीवन में, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है स्तुति। अगर आप अय्यूब की पुस्तक देखें तो उसके ऊपर कितने ही संकट आए थे, उसकी भेड़े मरी गई, उसकी बच्चे मर गए, उसके जो दास थे वो मर गए, सब कुछ उसका लूट गया। ऐसे में अगर हम देखें तो अय्यूब क्या करता है, अय्यूब की पुस्तक में देखो पहला अध्याय और उसकी 21 व 22 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। क्या वचन बोलता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और आगे 22वें वचन में कहता है कि इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, क्योंकि अय्यूब जानता था कि अगर परमेश्वर ने जीवन दिया है तो उसको वो निभाएगा। उसकी सारी चिंताएं, उसकी सारी परेशानियां वो छोड़ चुका था, वो पूरी तरह से परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्य कहना चाहता था। और उनका परिणाम हम देखते हैं जब आगे की पुस्तकें आती है, तब वहां हम देखते हैं कि जितना अय्यूब के पास नहीं था उससे डबल, उससे 7 गुना परमेश्वर ने उसको दिया। कितनी अद्भुत है ये श्रुति का काम। इसी अद्भुत काम की वजह से प्रभु हमें संभालता है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, हमारी जॉब चली जाती है, हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, हमसे लोग रिश्ता तोड़ देते हैं और हमारे पास पैसे नहीं बचते, हमारे पास कुछ अच्छा नहीं होता। जब हम समझते हैं कि क्या इस दिन के लिए हम जी रहे थे, क्या हमें ऐसे जीना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर तब हम अगर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तब वो हमें ऊपर उठाएगा। अगर हम ऊपर ही रहे तो परमेश्वर और कहां ऊपर उठाएगा। हमारे जीवन में उसका काम हो, उसी लिए वो हमारे जीवनों में परेशानी लाते हैं। परेशानी आएगी तब हम उसके सामने लड़ना सीखेंगे, तब हम बनके तैयार होंगे। एक बच्चे जब चलना सीखता है तो बहुत परेशानी होती है उसको,
पर जब वो खुद चलता है तो माँ बाप को, पेरेंट्स को, आसपास के लोगों को बहुत खुशी होती है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही चाहता है कि हम चलना सीखें, दौड़ना सीखें, ना केवल सोते रहे, पर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, तू जो आसमान में है, हम पर आपकी रहमत हो और हमें हर समय आपकी स्तुति करना सिखाइए। प्रभु, आपने जो भी हमें दिया हो, सब भी बातों में हम आपको धन्यवाद दे पाए, इसके लिए आपकी कृपा होने दो। प्रभु यीशु के